for more videos, subscribe to my channel. नमस्कार, आज मैं बनाऊंगी कश्मीरी स्टाइल में कबाब। इसमें मसाला भी मैं डालूंगी, प्याज भी, ताकि ये ज्यादा टेस्टी बन जाए। मैंने आधा किलो ये लिया है मटन, कीमा, मटन का कीमा, और इसमें मैं डालूंगी ये दो प्याज। साथ में डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच वो भी, और डालूंगी नमक। नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से ही डलेगा, मैं इसमें डालूंगी हाफ स्पून नमक। ये मैंने एक अंडा रखा हुआ है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये जरूरी नहीं है, जो अंडा खाता है वो अंडा डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। और मसालों में इसमें डलेगा कश्मीरी लाल मिर्च एक स्पून, ये ज्यादा तीखी नहीं होती है, ये हमने रैना स्टोर से लिए हुए हैं। धनिया पाउडर हाफ स्पून, और जीरा 1/4 स्पून, गरम मसाला 1/4 स्पून, और ये पिसी हुई सौंफ है, ये बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है और टेस्ट भी थोड़ा सा इसे बढ़ जाता है। ये मैं एक स्पून डालूंगी इसमें। इन सब चीजों को मैं पहले मिक्स करूंगी इसमें। इसमें पूरे मसाले मैंने डाले हैं, अब मैं इसको शेप दे दूंगी। मैं इसको गोल गोल बनाऊंगी, जिसमें मैं चीज भी डालूंगी। चीज डालना जरूरी नहीं है, किसी को है मन तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डाल सकते। थोड़ा सा हाथ पे तेल चिपकना है। अब इसको उठाया तो ये हाथ पे चिपकेगा नहीं। ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाऊंगी मैं इसको। ऐसे पहले किया प्लेट में रख के, ये चीज है, थोड़ी सी चीज डाली, फिर इसको वापस गोल बना दिया। अगर ये हाथ पे चिपकेगा तो थोड़ा सा और ऑयल हाथ में लगा लेना। मैं इसको सारे को, ये सारे बॉल्स ऐसे ही बना लूंगी। हाथ पे पहले ऐसे तेल छिड़का, फिर थोड़ा सा ले लिया मटन कीमा, इसको ऐसे रख दिया। ऐसे शेप का भी बना सकते हैं, कुछ नहीं डाल के ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें चीज थोड़ी सी डाल दी, ज्यादा भी नहीं डालना चीज। इसको हाथ में फिर से उठाया और इसको गोल शेप दे दिया। ये थोड़ा सा चिपक रहा है हाथ में, इसमें मैं तेल छिड़कूंगी यहां से अपने हाथ पे, फिर इसको ओवर करेंगे। ये देखिए अब नहीं चिपक रहा है अच्छे से। ये मैंने अब बना लिए ये सारे बॉल्स, इनको मैं अब एयर फ्रायर में रखूंगी, एयर फ्राई इनको करेंगे। मगर अगर कोई चाहे तो इसमें कढ़ाई में भी तेल ज्यादा डालना, इनको फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई भी, शैलो फ्राई भी कर सकते हो आप कढ़ाई में भी। मैं मगर एयर फ्राई में करूंगी। मैं पहले इसमें थोड़ा सा तेल लगाऊंगी फ्रायर में। ये हो गया तेल, अब मैं इसमें ये बॉल्स डालूंगी। इनको मैंने इसमें डाला है, मगर थोड़ा सा इनको स्पेस रखना है, डिस्टेंस पे रखना थोड़े थोड़े, क्योंकि ये थोड़े से फूल भी जाएंगे। अब मैं इसमें एयर फ्रायर में रखूंगी, इसको मैं ऑन करूंगी। ऑन हो गया तो इसका मैं पहले टेम्परेचर रखूंगी। अब मैं टाइमर दबाऊंगी 12 मिनट के लिए, मैं पहली बार इसको रखूंगी 12 मिनट, और अब ये ऑन करूंगी। 12 मिनट के बाद देखेंगे कैसे बने हैं। इसको 12 मिनट हो गए, अब मैं इसको निकाल के देख लूंगी। ये बन गए हैं अच्छे से, अब मैं इनको निकालूंगी। हाँ जी, यहां से भी बने हैं अच्छे। अब
अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। ये आप हरी मिर्च की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या पुदीने की जो मैंने पिछले वीडियो में बनाना दिखाई थी, या आप सॉस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये बना के खा लेना। चलो एक को देखेंगे कैसा बना है ये।